फोर्ड वर्सेस फरारी डायरेक्ट किया इसे जेम्स मैनगोल्ड ने, और जो इसके अंदर कास्ट है क्रिस्टन बेल और मैट डेमन, जॉन बर्नथल और अन्य बाकी कलाकार। अब मैं इस मूवी की अगर कहानी बताऊं मैं आप लोगों को, तो यह कहानी एक 1966 में जो एक रेस हुई थी उसके ऊपर आधारित है। रियल एक स्टोरी है, जो एक बायोग्राफी भी है इसके अंदर। एक जो ड्राइवर है क्रिस्टन बेल ने जिसको निभाया है, वो आगे चल के मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ, उसके ऊपर ही आधारित मूवी है। और स्टोरी बताऊं तो कि 24 घंटों की एक रेस होती है जिसके अंदर बहुत सारी कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं, और फोर्ड कंपनी पहली बार इस रेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रही होती है। रीजन क्या होता है कि फोर्ड कंपनी फरारी के पास जाती है कुछ अपनी उनसे टाई अप करने के लिए, लेकिन फरारी कंपनी उसकी जब बेइज्जती करती है तब फोर्ड कंपनी के जो मालिक होते हैं मिस्टर फोर्ड, वो इस बात को अपने दिल से लगा लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि वो भी अब इस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि उन्होंने बहुत ऐसे गुस्से में आके या बिना सोचे समझे ऐसा डिसीजन ले लिया और अब वो इस रेस में हिस्सा ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो जीत जाएंगे या फिर कुछ और हो जाएगा। देखो जो रिजल्ट आप सोच रहे हो ना कि हाँ इसमें ये होने वाला है, वो नहीं होता। अब मतलब इसका जो जो रेस का जो रिजल्ट है, 24 घंटों की जो रेस होती है, उसको आप सोच नहीं सकते यार क्या होने वाला है। ये मैंने भी नहीं इमेजिन किया था कि लास्ट में ऐसा भी हो सकता है यार। और ये मूवी वास्तव में मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता, आप खुद जाके ये मूवी आप देखोगे थिएटर में तब खुद आप महसूस करोगे। वैसे मुझे ना इतनी कार्स वाली जो मूवीज होती हैं वो इतनी पसंद नहीं होती। लास्ट जो मूवी मैंने ड्राइवर देखी थी उसने तो कसम से मेरे दिल में डर बिठा दिया था कि ऐसी कार की जो रेसिंग वो ऐसे दिखाएंगे तो भाई साहब हाथ जुड़वा लो, मत दिखाओ ऐसी चीजें। लेकिन जो ये जो मूवी है इसके अंदर जो कैमरा वर्क है वो इतना जबरदस्त है। जब जब गाड़ी का ऐसे टर्न की बारी आती थी, जो वो टर्न होता था ना, तब सांसें रुक जाती थी। यार क्या बात है यार, कितना जबरदस्त उन्होंने वो कैमरा वर्क किया। मतलब आपको खुद फील होगा कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, इतना जबरदस्त अमेजिंग। जो वो एक्सीडेंट वहां हो रहे थे तब उसको निकल रहे थे, कभी एकदम से ऐसे पल से लगेगा यार अब कहीं ना कहीं ना टकराव हो जाए कोई, इतना जबरदस्त इन्होंने कैमरा वर्क किया। तो ये इसमें मेरे को कोई ऐसा पजल होने वाली चीज नहीं लगी। वरना अगर मैं अपनी पुरानी कार मूवी की बात करूं तो आज तक जो मैंने बॉलीवुड में देखी है या फिर और कोई अलग मूवी देखी है, तो उसके अंदर तो यार ऐसा लगता था कि कभी उन्होंने टायर दिखा दिया, कभी उन्होंने बॉनेट दिखा दिया, कभी कार का दरवाजा दिखा दिया, तो ऐसे बस वो पजल सा रखते थे। वो रियल रेस नहीं दिखाते थे, रियल मतलब क्या हो रहा है वो नहीं दिखाते थे। मुझे लगता है वो जानबूझ के नहीं दिखाते थे शायद, ताकि लोगों को समझ ना आए और उनको लगे कि कार रेस हो रही हो। लेकिन ये मूवी वैसी नहीं है, ये वास्तव में जबरदस्त है, आप लोगों को देख के बहुत मजा आने वाला है इस मूवी को। लास्ट जो मैंने मूवी देखी थी मर जावा और चार्लीज एंजल, और जिसके बाद जो सर में दर्द हो गया था, ये मूवी आप कह सकते हो कि उसने मुझे एकदम तरोताजा कर दिया। हाँ देख के बहुत सीखने को और एकदम फ्रेश फील किया इस मूवी को देख के, बहुत कुछ एनर्जेटिक से भी लगा। अब जो इसके अंदर जो दो अनुभवी कलाकार है क्रिस्टन बेल और मैट डेमन, जो मैट डेमन है उन्होंने एक कार डिजाइनर कैरोल सेल्बी का एक किरदार निभाया है, वहीं दूसरी ओर जो क्रिस्टन बेल है उन्होंने एक जो सन की जो ड्राइवर होता है ना कैन माइल्स का किरदार निभाया है। अब मैं इनकी दोनों की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो चुम्बेश्वर परफॉर्मेंस दिए इन दोनों ने, कमाल की जो परफॉर्मेंस है वो देख के यार रोंगटे खड़े हो गए। और हमें इस मूवी में यह देखने को मिलेगा कि यार कि दो जो बंदे होते हैं उनकी जो सक्सेस को पाने वाले होते हैं या फिर जो उस सक्सेस की राह पे होते हैं, तो वो कैसे अपनी लाइफ में कितने स्ट्रगल वो उनके सामने आते हैं, कौन कौन सी रुकावटें सामने आती हैं, बावजूद इनके भी वो उनको पार करते हैं और उनको वो चीज़ें मिलती हैं। ऐसा ये मूवी हमें देखने को मिलता है। जैसे माइल्स इसके अंदर उसे फोर्ड जैसे वैसे मिस्टर फोर्ड जो है वो अपनी एक टीम बनाते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे कार डिज़ाइनर और ऐसे इंजीनियर को ढूंढ के लेके आओ जो हमें जीत दिलाए। तो जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर मार्केटिंग डायरेक्टर वो जाते हैं, वो इनको ये मैट डेमन यानी कैरोल सेल्बी मिलते हैं, फिर ये कैरोल सेल्बी की नज़र में होते हैं क्रिस्टन बेल यानी कैन माइल्स। ये चाहते हैं कि माइल्स जो है वो रेस करे, क्योंकि माइल्स बहुत अच्छे से मशीनों को समझता है, गाड़ी को समझता है, उसको अच्छे से पता है कि किस में कितने
कितनी इंच ऊपर रखनी है या फिर किस में कितना वजन घटाना है, स्टेयरिंग कैसा होना चाहिए, सारी चीजें माइल्स जो है वो समझता है। लेकिन जो इसके जो मार्केटिंग डायरेक्टर होते हैं वो ये बात सी समझ नहीं पाते और वो चाहते हैं कि माइल्स ये रेस ना करें क्योंकि उसकी इमेज अच्छी नहीं है। बावजूद इसके भी कैसे कैरोल जो है वो माइल्स से रेस करवाते हैं, बहुत कुछ उन्होंने फेस किया, वही माइल्स भी फेस करते हैं इन चीजों को। अब जो माइल्स जो है वो यार कमाल की चीज है कि मतलब कि कैसे एक इंसान इतना सनकी हो सकता है, कैसे इतना जिद्दी हो सकता है, कैसे मतलब कि अपनी जान की परवाह तक नहीं करता वो इंसान। और ये चीज रियल है, कोई आप कहें कि ये फिक्शनल है या इमेजिनरी, ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज वास्तव में हुई है कि भी एक इंसान बिल्कुल भी परवाह नहीं करता अपने जान की, बस वो उसके लिए रेस सबसे इंपॉर्टेंट है और वो रेस करना चाहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जीतता है या हारता है, लेकिन वो रेस करना चाहता है। और यकीन मानो यार, जो इसके अंदर जो 7000 प्लस RPM जो इसकी गाड़ी की रेस लेके जाते हैं, वहां पे जो एलॉय इतने गर्म हो जाते हैं कि उनके जो ब्रेक्स हैं वो फेल हो जाते हैं, वो पिघल जाते हैं, मतलब कमाल। वहां पे जो माइल्स का एक्सीडेंट होता है, बावजूद इसके उस बंदे में कोई डर नहीं है, वो रेस करना चाहता है यार। वो सीन यार, वो पागल है उस चीज के लिए। ये मूवी हमें यह सिखाती है कि यार जब हम कोई सक्सेस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे करियर में हमें ये चीज मिले, लेकिन हम थोड़ी सी दूर चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में इतनी परेशानी आ रही है और हम उसे वही गिव अप कर देते हैं या फिर हम अपनी वो हद को पार नहीं करते। देखो यार, ये वास्तव में जब ये मूवी देख के निकला तो यार लगा कि यार जो मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में अभी फिलहाल, मुझे भी अपनी वो हद को पार करना होगा ताकि मैं वो चीज़ अचीव कर पाऊँ। तो ये मूवी आप देखोगे तो आपको भी ये सीखने को मिलेगा यार। वैसे मैंने बहुत सारी इस वीडियो में आपसे बातें छुपाई हैं कि इस मूवी में क्या होता है और जो इस मूवी में जो लास्ट का सीन है वास्तव में वो हलक के नीचे नहीं उतरता। ये जो लास्ट में जो सीन होता है वो वास्तव में आप लोगों को भी सरप्राइज कर देगा कि क्या हो गया। मैं खुद हैरान हो गया यार देख के। इसलिए बातें नहीं बताई क्योंकि मैं कोई स्पॉयलर्स आपको नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये जो खूबसूरत मूवी है ये आप खुद जाके महसूस करो कि हाँ कमाल की मूवी है, आप एकदम फ्रेश फील करोगे यार। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 9.5 star out of 10। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। हाँ, वैसे ये मूवी इंग्लिश में है, आप सोचेंगे यार इंग्लिश में मुझे समझ नहीं आती, इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, यार देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसके इमोशन के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा था, मतलब कि उसकी आवाज़ के ऊपर इतना कंसंट्रेट भी नहीं करेंगे, जो मूवी देख रहे हो तो उसमें ही आपको पता चलता चलेगी कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो ऐसा कुछ भी इशू नहीं है कि इंग्लिश में है तो मैं ये मूवी नहीं दे सकता, तो बेशक आप देख सकते हो। बस आज के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।